सो अगेन वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू टारगेट ICS। सो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट मी राइट एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली एनर्जी बैलेंस। बहुत ही ध्यान से देखिएगा माय डियर। देखिए एनर्जी बैलेंस कुछ नहीं है, क्या कहता है, वॉट एवर पावर वी आर कंज्यूमिंग इन कटिंग। ठीक है, देखिए पावर इन्वॉल्व इन कटिंग कितना है, यस इट विल बी हाउ मच, FC into V, राइट, फोर्स into कट वेलोसिटी, तो कटिंग फोर्स into कटिंग वेलोसिटी, सो दैट विल व्हाट, पावर इन्वॉल्व इन कटिंग, राइट। नाउ वॉट एवर पावर वी आर व्हाट गिविंग इन दी इन कटिंग ऑपरेशन, दैट विल गो इन टू वेज। वो क्या होगा, वो दो चीजों में खर्च होगा। जो पावर है ना, वो पावर जो है वो दो चीजों में खर्च होगी। किस किस में, एक तो shear deformation करने में, so therefore there will be some power consumed in shear deformation। तो वो क्या होगा, shear force into shear velocity, सिंपल है, राइट। दूसरे किस फॉर्म में जाएगी आप बता सकते हैं, यस देखिए दूसरा फ्रिक्शन भी तो है ना, चिप और टूल के बीच में फ्रिक्शन भी तो है, so therefore power in friction, जो पावर बच गई दैट विल बी लॉस्ट इन व्हाट, फ्रिक्शन, सो दैट विल बी फ्रिक्शन फोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ चिप वेलोसिटी। ठीक है, तो बेसिकली एज पर द एनर्जी बैलेंस व्हाट सेज इज दैट कि जो हमारा पावर खर्च हुआ इन कटिंग, पावर खर्च हुआ इन द कटिंग ऑपरेशन, दैट विल गो इन टू वेज। एक तो जो है डिफॉर्मेशन करने काम आएगा, शेयर डिफॉर्मेशन, विच विल देन जो है उससे मशीनिंग होगी और हमारा बनेगा चिप। दूसरा क्या जाएगा, जो चिप बना वो चिप जाएगा उस रेक फेस के ऊपर, जो कि फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, सो देयरफॉर द कटिंग फोर्स, द कटिंग पावर विल बी गोइंग इन टू वेज। मतलब क्या है, एफ सी इंटू वी विल बी हाउ मच, एफ एस इंटू वी एस प्लस एफ एफ इंटू वी सी। दिस इज व्हाट इज द एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस तो हमेशा रहेगा ना, तो एनर्जी बैलेंस क्या बोलता है, वॉट एवर द पावर की जो हम कटिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट विल गो इन टू वेज। एक पार्ट जाएगा किसमें, shear deformation करने में, और दूसरा जाएगा friction करने में। ठीक है, दूसरा जाएगा friction। इसका जो contribution रहता है my dear, out of the total energy, out of the total energy, इसका जो contribution रहता है that is around 65 to 70%। रही बात इसका जितना रह गया that is 25 से लेके 30% के आसपास इसका रहता है। ठीक है, मतलब 30 to 35, तो अराउंड 65 to 70% कंट्रीब्यूशन गोज विद shear डिफॉर्मेशन। मतलब क्या है, हमने जितनी पावर लगा दी ना कटिंग करने में, उसका 65 से 70% जाता है shear डिफॉर्मेशन में। मतलब 100% नहीं जाता, अगेन 100% नहीं जाता है, उसका जो 70 up to 70% करीब करीब जो है shear डिफॉर्मेशन में जाता है। बाकी का कहाँ गया, बाकी का लॉस्ट हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, बाकी का फ्रिक्शन में खो जाता है। ये फ्रिक्शन वाला पार्ट है ना, तो दिस इज व्हाट इज द एनर्जी बैलेंस। This is what is called as the energy balance. Got the point? ठीक है, ओके। एक नेक्स्ट कंसेप्ट और है माय डियर, वो भी काफी पूछा जाता है, स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन। स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन ये कैसे डिफाइन होता है माय डियर, ये डिफाइन होता है पावर कंज्यूम्ड इन व्हाट कटिंग, पावर हमारी कितनी कंज्यूम हुई कटिंग ऑपरेशन पर यूनिट व्हाट MRR, पर यूनिट मटेरियल रिमूव्ड। मतलब क्या है कि हम जो है कि मटेरियल फॉर अ स्पेसिफिक मटेरियल रिमूवल रेट, फॉर अ यूनिट मटेरियल रिमूवल रेट, हाउ मच पावर आई एम बीन कंज्यूमिंग। तो आपको क्या लगता है, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए? बेटा कम से कम होना चाहिए ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा मटेरियल रिमूवल रेट ज्यादा से ज्यादा हो और कम से कम पावर खर्च करनी पड़े। तो ये मेरा जो स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन है कम होना चाहिए कि ज़्यादा, ये मेरा कम होना चाहिए। ठीक है, राइट। और मैं आपको बता दूं पहले कि जो मैक्सिमम स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन वाला जो प्रोसेस है, मैक्सिमम स्पेसिफिक एनर्जी कंज्यूमिंग वाला जो प्रोसेस है ना, कन्वेंशनल की अगर मैं बात करूं, देखो कन्वेंशनल की अगर मैं बात करूं तो वो है ग्राइंडिंग, क्योंकि ग्राइंडिंग में पावर काफी लगती है, लेकिन MRR देखो कितना कम होता है, कितने माइन्यूट चिप्स निकलते हैं। सो देयरफॉर ग्राइंडिंग वो प्रोसेस है कन्वेंशनल में, जिसमें कि क्या होता है, स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन रहता है मैक्सिमम कन्वेंशनल। और अगर मैं नॉन कन्वेंशनल की बात करूं, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल पढ़ाया जाएगा, जब नॉन कन्वेंशनल की बात करूंगा ना, तो नॉन कन्वेंशनल में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसका मैक्सिमम स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन है, दैट इज नथिंग बट ECM, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, तो ये याद करिएगा फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो स्पेसिफिक पावर कंजप्शन है, इफ इट टॉक्स, देखिए ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में ग्राइंडिंग भी लिखा हुआ है, ईसीएम भी लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स ईसीएम टिक होगा। बट अगर ऑप्शन में ईसीएम नहीं है लेकिन ग्राइंडिंग है, तो ग्राइंडिंग टिक हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि कन्वेंशनल मशीनिंग जो होती है, कन्वेंशनल मशीनिंग जैसे मिलिंग, ग्राइंडिंग हो गया, टर्निंग हो गया, लाइक दैट, तो ये जो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन वाला प्रोसेस है वो क्या है, ग्राइंडिंग, वो है ग्राइंडिंग। और वहीं नॉन कन्वेंशनल वाले में कौन है, ईसीएम, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ये याद कर लीजिएगा। गॉट दी पॉइंट? बहुत ही सिंपल रीज़न है क्यों है, क्योंकि ग्राइंडिंग और अब इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में तो इससे भी बहुत ही कम एमआरआर होता है, बहुत ही कम एमआरआर होता है, राइट, इससे भी कम, ग्राइंडिंग से भी काफ़ी कम एमआरआर होता है, राइट। सो यू कैन इमेजिन पावर काफ़ी खर्च हो रही है, एमआरआर बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है इन द केस ऑफ ईसीएम। यहाँ तक बात ठीक है? तो अब जो है रही बात टर्निंग की, अगर मैं बात करूँ तो कैसे डिफाइन करेंगे, पावर इन्वॉल्व इन कटिंग डिवाइड बाय व्हाट, एमआरआर। तो पावर कैसे लिखते हैं कटिंग में, कटिंग फोर्स इनटू व्हाट, कटिंग वेलोसिटी, बात ठीक है। और टर्निंग के लिए मैंने क्या बताया था, एफ इंटू डी इंटू वी, गॉट द पॉइंट, एफ इंटू डी इंटू वी, यहां तक ठीक है। देखिए यहां पर इसकी यूनिट क्या आती है, वॉट, राइट। एंड देखो माय डियर, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन की जो यूनिट यूज की जाती है नॉर्मली, दैट इज जूल पर मिलीमीटर क्यूब, जो स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन की जो यूनिट है दैट इज जूल पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, जूल पर मिलीमीटर क्यूब। ऐसे कैसे, जरा ध्यान से देखना, देखो ये वॉट है, वॉट का मतलब जूल पर सेकंड होता है, यस, एंड दिस इज व्हाट, एमआरआर, एमआरआर का यूनिट क्या होता है, मिलीमीटर क्यूब पर सेकंड, बिल्कुल सही बात है कि नहीं, यहां तक ठीक है बात, अरे यहां तक ठीक है, ओके, राइट। तो अब देखो जूल पर सेकंड, यहां पर मिलीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो पर सेकंड कैंसिल हो गया, तो इसीलिए क्या यूनिट निकल के आ गई, जूल पर मिलीमीटर क्यूब, जूल पर मिलीमीटर क्यूब, ये यूनिट निकल के आ गई। गॉट द पॉइंट? अब देखो यहां पर क्या कैंसिल हो रहा है, कटिंग वेलोसिटी कैंसिल हो रही है, ऊपर नीचे जो है कटिंग वेलोसिटी कैंसिल हो रही है कि नहीं, यस। तो अपना सिंपली क्या फॉर्मूला बनता है, एफ सी अपॉन एफ इंटू डी, ठीक है, एफ सी अपॉन एफ इंटू डी, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये जो भी कुछ है ना, आप इसमें बड़े ध्यान से यूनिट रखनी पड़ेगी आपको। F तो न्यूटन में चलेगा, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो कटिंग वेलोसिटी है ना, कटिंग वेलोसिटी मिलीमीटर पर सेकंड में दी होनी चाहिए, ध्यान रखना, कटिंग वेलोसिटी मिलीमीटर पर सेकंड में दी होनी चाहिए। फीड, डेप्थ ऑफ कट सब कुछ मिलीमीटर में चलना चाहिए, इसकी ये चीज़ है, फीड, डेप्थ ऑफ कट मिलीमीटर में चलना चाहिए, और वही कटिंग वेलोसिटी शुड बी इन मिलीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड, फिर बोल रहा हूँ मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ तक बात, और नॉट, ठीक है। तो ये यूज होता है अपना रिलेशन, ओके नाउ। अच्छा माय डियर, कुछ बुक्स में क्या होता है कि कुछ बुक्स में ऐसा होता है समटाइम्स कटिंग वेलोसिटी, देखिए होता क्या है, ऐसे तो कटिंग वेलोसिटी आपस में कट गए एक दूसरे से, बट होता क्या, कभी कभी कटिंग वेलोसिटी दी जाती है इन 120, सपोज लेट अस टेक मीटर पर मिनट, मीटर में दी जाती, मीटर मीटर, तो उस केस में आपको मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मीटर को मिलीमीटर में, यू हैव टू एंश्योर इट बाय कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, मिलीमीटर्स। तो कैसे किया जाता है, इनटू 1000 करते हैं, इनटू व्हाट, 1000 करते हैं कि नहीं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक चीज ध्यान से देखो, ऐसे तो कटिंग वेलोसिटी को मैंने ऊपर नीचे काट दिया, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है ऐसे मैं काट नहीं सकता, देखो मैं समझाता हूँ क्यों। यहाँ पर यूनिट का मिसमैच हो रहा है, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ना, ध्यान से देखना, देखो एफ सी इंटू वी, ये क्या है, वॉट है ना, वॉट इज जूल पर सेकेंड, वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, तो एफ सी क्या है, न्यूटन में, और यहाँ पर वेलोसिटी किसमें है, मीटर पर सेकेंड में है। यहाँ पर जो है दोनों ही कटिंग वेलोसिटी है, दोनों कटिंग वेलोसिटी ही, बट प्रॉब्लम क्या है माय डियर, यूनिट थोड़ी मिसमैच हो रही है, इसलिए अब समझो ध्यान से। यहाँ पर क्या है, एफ सी इंटू वी, दिस इज कटिंग पावर नॉट, इसकी यूनिट क्या है, वॉट, वॉट क्या होता है? जूल पर सेकंड। ये जूल पर सेकंड कब आता है? जब ये तो न्यूटन में रखा जाए और वेलोसिटी किस में रखी जाए? मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? हमें रखनी है जूल पर मिलीमीटर क्यूब। तो फीड मिलीमीटर, नो प्रॉब्लम। डेप्थ ऑफ कट मिलीमीटर, नो प्रॉब्लम। ये माय डियर, अब यहाँ जो कटिंग वेलोसिटी रखी जाएगी ये किस में रखी जाएगी? मिलीमीटर पर सेकेंड। तभी तो मेरा जूल पर मिलीमीटर क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं? तभी तो यहाँ से मिलीमीटर क्यूब पर सेकंड आएगा, और जब मिलीमीटर क्यूब पर सेकंड आएगा तभी यहाँ पर डिनोमीटर में मिलीमीटर क्यूब बनेगा। नाउ द प्रॉब्लम इज ऊपर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, नीचे वेलोसिटी मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो समझ में आ रहा है लोचा क्या हो रहा है, लोचा क्या क्रिएट हो रहा है? अरे यहाँ तक समझ में आया कि लोचा क्या क्रिएट हो रहा है? इसीलिए ना वेलोसिटी को सीधे काट नहीं सकते हम, क्योंकि ऊपर प्रॉब्लम क्या है? ऊपर प्रॉब्लम ये वॉट है, और वॉट में ये वाला फोर्स न्यूटन चलता है, ये वाला वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, दोनों कटिंग वेलोसिटी। फिर बोल रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या? यूनिट मिसमैच हो रहा है, क्योंकि इस केस में ये वॉट, और वॉट होने के लिए ये न्यूटन में होना चाहिए, ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। ये क्या है? मटेरियल रिमूवल रेट, मीटर मिलीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये मिलीमीटर, ये मिलीमीटर, और ये वेलोसिटी आपकी होनी चाहिए मिलीमीटर पर सेकंड में। ये होनी चाहिए अब की बार मिलीमीटर पर सेकंड में। अब देखो, ऊपर की वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, नीचे की वेलोसिटी मिलीमीटर पर सेकंड, तो हो गया ना यूनिट मिसमैच। तो हाउ कैन यू सिंपली कैंसिल इट, हाउ कैन यू सिंपली कैंसिल इट, है ना लोचा? लोचा समझ में आया कि नहीं? दो माय डियर, इस लोचा को हमने कैसे दूर किया, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखिएगा माय डियर, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना। हमने क्या किया, इस v को यदि मुझे कैंसिल करना है, इस v को यदि मुझे करना है कैंसिल, ठीक है, तो देखो ये है मीटर पर सेकंड, ये क्या है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को मैं मिलीमीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करूंगा? मीटर पर सेकंड को मिलीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है किससे? 1000 से मल्टीप्लाई करके, राइट? या फिर मिलीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? 1000 से डिवाइड करके। यहां तक बात ठीक है? यहां तक ठीक है कि नहीं? इज इट और नॉट? इसीलिए माय डियर क्या है, यहां पर अगर आपको कैंसिलेशन करना है तो कैंसिलेशन ऑफ वेलोसिटी शुड अकर एट सेम यूनिट। तो अब उस यूनिट को मैं देखो सेम बना रहा हूं, उसके लिए क्या किया मैंने, यहां पर 1000 से इनटू कर दिया। अब आप जो है इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा ना माय डियर, दैट विल बी FC अपॉन 1000 इनटू FD। ये है स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन, FC अपॉन 1000 FD। अब जो आंसर आएगा जूल पर मिलीमीटर क्यूब में आएगा, नो प्रॉब्लम। तो 1000 से क्यों यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ा? दोनों की यूनिट को सेम बनाने के लिए, दोनों की यूनिट को जो है सेम बनाने के लिए मैंने क्या करना पड़ा, 1000 से यहाँ पर इनटू करना पड़ा। यहाँ तक बात ठीक है? ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर 1000 से यहाँ पर डिनोमिनेटर में इनटू किया। ठीक है बात? तो अब जो फॉर्मूला बना ये याद करना है आपको, फॉर्मूला FC अपॉन 1000 इनटू व्हाट? FD। गॉट द पॉइंट? तो ये है अपना स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन। यहाँ तक बात ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक टर्म और देखते हैं, कटिंग प्रेशर। एक टर्म होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कटिंग प्रेशर। कटिंग प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, राइट? तो अब इसको ऐसे समझते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे। देखो ऐसा है कि वी आर क्रिएटिंग विच टाइप ऑफ फोर्स? कटिंग फोर्स, राइट? हम कटिंग फोर्स दे रहे हैं ना, वो तो FT डेवलप हो रहा है, क्योंकि FT डेवलप क्यों रहा है? क्योंकि हम अंदर भी तो घुस रहे हैं, डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं, तो इसलिए FT डेवलप हो रहा है। हमारा मकसद क्या है? हमारा कटिंग फोर्स डेवलप करना है जिससे कटिंग हो, ठीक है? तो हम अल्टीमेटली क्या दे रहे हैं? कटिंग फोर्स दे रहे हैं। तो आप इसको ऐसे समझो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द कटिंग फोर्स वी आर गिविंग ऑन विच एरिया? ऑन दिस एरिया। ये एरिया क्या है? दैट इज व्हाट? अनकट चिप थिकनेस और नॉट, राइट? एंड दिस इज व्हाट? विड्थ। ठीक है, ये क्या है? विड्थ, और ये क्या? अनकट चिप थिकनेस। गॉट द पॉइंट? ऐसे समझो यार, ठीक है। ये ऐसे था, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये टूल है ना, ये टूल है, ये वर्कपीस है, चिप बन रहा है। तो हमने क्या किया? कटिंग ऐसे फोर्स दिया होगा, राइट? कटिंग फोर्स ऐसे दिया होगा ऑन विच एरिया? ये एरिया कुछ ऐसे होगा माय डियर, है ना, ये कुछ एरिया इस तरीके का होगा जिसपे कटिंग फोर्स आया ऐसे, है ना, ये कटिंग फोर्स ऐसे आया इस एरिया पे। अब ये एरिया किसके बराबर होगा, ये अनकट चिप थिकनेस है कि नहीं, है कि नहीं अनकट चिप थिकनेस, और ये क्या है विड्थ, ये विड्थ है, ये है विड्थ। तो इसीलिए अब जो कटिंग प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, सो दैट विल बी एफसी अपॉन व्हाट, बी इनटू टी, सिंपल। तो कटिंग प्रेशर इज व्हाट इज डिफाइंड एज एफसी अपॉन बी इनटू टी, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, फोर्स अपॉन एरिया। इसका एक और फॉर्म है माय डियर, उसका एक और फॉर्म बड़े ध्यान से देखना। आपने ध्यान है अपने एमआरआर का फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज एफ इनटू डी इनटू वी इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, बी इनटू टी इनटू वी। ठीक है, नाउ यू कैंसिल बोथ द यूनिट्स, बोथ द वी, दोनों v कट गए ना, दोनों कटिंग वेलोसिटी है, तो बेसिकली f इंटू डी बराबर क्या हो जाता है, b इंटू टी। तो कटिंग प्रेशर का दूसरा फॉर्म क्या बन गया, कटिंग फोर्स डिवाइड बाय व्हाट, b इंटू टी को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ f इंटू डी लिख सकता हूं, यस। तो ये है कटिंग प्रेशर का फॉर्मूला। गॉट द पॉइंट, बहुत बहुत सिंपल है कि नहीं, सिंपल है, राइट। नेक्स्ट माय डियर हम लोग आप एक चीज देखते हैं, फ्रिक्शन इन मेटल कटिंग। इस फ्रिक्शन को थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो होता क्या है माय डियर, फ्रिक्शन किसके ऊपर आता है, रेक फेस के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब ये जैसे टूल है, राइट, टूल कैसा दिखेगा अपना, कुछ ऐसा दिखेगा ना टूल, थ्री डायमेंशन में कुछ इस टाइप से देखेगा टूल, ठीक है। तो क्या है कि ये जो टूल है इसका जो ये ऊपर रेक फेस दिखाई दिया, इसके ऊपर डेवलप होगा फ्रिक्शन, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रहा है, चिप स्लाइड कर रहा है। गॉट द पॉइंट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि इसका एक्सपेरिमेंटली कर्व प्लॉट किया गया फ्रिक्शन का, राइट। वॉट एवर द स्ट्रेस इज बीइंग डेवलप्ड, ओके, विथ द वेरिएशन फ्रॉम दिस नोज, विद द डिस्टेंस फ्रॉम दिस नोज, क्या किया गया, प्लॉट किया गया फॉर द योर स्ट्रेस। तो जो कर्व आता है ना कुछ इस तरीके से आता है, देखो ये मैं प्लॉट कर रहा हूँ इस तरीके से, जानबूझ के मैं थोड़ा डेटा दिखा रहा हूँ जिससे आपको फील आए कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट, फ्रॉम द नोज टिप, ठीक है। सो हियर मैं यहाँ पे क्या दिखाऊंगा, स्ट्रेस, ठीक है, एंड हियर इज द व्हाट, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है कि सबसे ज्यादा, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है आपके किसके, वर्कपीस के, और ये मशीनिंग में पार्ट ले रहा है, तो सबसे ज्यादा हीट का कंसेंट्रेशन यही होगा ना। तो सबसे ज्यादा हीट कहाँ डेवलप होगी, इधर इस साइड में, ठीक है, जिसको हम लोग फ्लैंक रीजन बोलते हैं, ठीक है, और पीछे का क्या होता है, शैंक। गॉट द पॉइंट। नाउ इसमें भी माय डियर एक पॉइंट ऐसा आता है कहीं यहाँ, जहां पर कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर क्रिएट होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पर जहां कर कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्रिएट होता है, राइट। और आपको लगेगा सर मैक्सिमम टेम्परेचर तो यहाँ नोज पे क्रिएट होना चाहिए, कहीं यहाँ पे क्यों क्रिएट हो रहा है, सही बात है कि नहीं, मतलब नोज पे क्रिएट होना चाहिए ना सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, लेकिन आप कह रहे हो सर जो मैक्सिमम टेम्परेचर हो रहा है वो कहीं यहाँ क्रिएट हो रहा है, मतलब फ्लैंक पे ही क्रिएट हो रहा है, बट इट इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस नोज, व्हाई इज इट सो। ऐसा माय डियर अगेन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, थर्मोकपल की मदद से हमने मेजरमेंट लिया तो देखा गया कि यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर डेवलप हो रहा है। गॉट द पॉइंट। और माय डियर अब हम लोग पढ़ेंगे टूल वियर, टूल का वियरिंग किस तरीके से होता है। तो हमने ये देखा गया है कि जो टूल का वियर होता है ना वो नोज से भी ज़्यादा इस डिस्टेंस पे होता है, कुछ इस डिस्टेंस पे, मतलब कहीं फ्लैंक, मतलब जो है अपना रेक फेस पे होता है, रेक फेस पे होता है किसी डिस्टेंस पे, राइट। तो यहाँ वियर होता है सबसे ज़्यादा, और वियर वो जो डेवलप हो रहा है वो हाई टेम्परेचर के कारण हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हाई टेम्परेचर डेवलप होगा वो रेक फेस पे होगा, नॉट एट दी नोज बट एट सम डिस्टेंस, वो डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, डोंट वरी, वो डिस्टेंस बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। तो बट इट विल बी एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द नोज, यहाँ पर होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। तो कुल मिला के जो है सबसे ज़्यादा हीट कंसनट्रेट यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेल्डिंग होने का चांस रहता है कि नहीं रहता, बिल्कुल सबसे ज़्यादा वेल्ड होने का चांस यहाँ रहता है। तो इसीलिए जो चिप है ना, जो चिप है वो आपका कुछ लेंथ के लिए रेक फेस के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, ठीक है ना बात। तो अब जब मैं बात करूँ शीयर स्ट्रेस की, तो शीयर स्ट्रेस जो है माय डियर कुछ डिस्टेंस तक तो कांस्टेंट रहता है इस तरीके से, उसके बाद इस तरीके से ड्रास्टिकली होता है रिड्यूस। गॉट द पॉइंट, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो रीजन है ना ये तो है आपका स्टिकिंग रीजन, ये है स्टिकिंग रीजन। इस दौरान जो चिप है ना, चिप का कुछ हिस्सा चिपका हुआ है रेक फेस से, इसके ऊपर जो है फिर कर्ल बनना शुरू हुआ, तो ये क्या है फिर स्लाइडिंग, ये है स्लाइडिंग रीजन। इसलिए जो शेयर का डायग्राम है ना वो कुछ इस तरीके से है, ये शेयर का डायग्राम है, दैट इज टाउ। शेयर स्ट्रेस का जो डायग्राम है ओवर द रेक फेस ये इस तरीके से बनता है। और वहीं जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता है। नॉर्मल फोर्स जो है इट विल बी मैक्सिमम एट द नोज टिप, ओके, वो तो नोज टिप पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, शेयर भी वहां पर ही मैक्सिमम होगा। तो जो नॉर्मल है वो इस तरीके से बनता है। लेकिन शेयर का बिहेवियर ऐसा क्यों आता है? ऐसा इसलिए आता है क्योंकि कुछ टाइम के लिए, कुछ लेंथ के लिए जो है आपका चिप इससे चिपका हुआ रहता है, दैट इज फॉर द स्टिकिंग रीजन। तो उस टाइम पे वो स्टिकी रहता है। उसके बाद क्या होता है, चिप जो है कर्ल बनना चालू होता है, तो वो क्या बन जाता है, फिर स्लाइडिंग रीजन बनता है। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये है कर्व, ठीक है, ये अलॉन्ग द टूल हमने बनाया, ये अलॉन्ग द टूल लेंथ हमने कर्व बनाया, ये हमने शीयर का बनाया और ये हमने नॉर्मल का बनाया। बात ठीक है? ठीक है यहां तक? ओके। तो नाउ अब स्लाइडिंग के लिए, स्लाइडिंग की अगर हम बात करूं, मतलब यहां पर जो है माय डियर, आप जो है फ्रिक्शन फोर्स को μ×n जरूर लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को μ×n जरूर लिख सकते हैं, बट वहीं अगर मैं स्टिकिंग की बात करूं ना तो ये रिलेशन वैलिडिटी खो देता है, ये वैलिड नहीं रहता। उस वक्त क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है, दैट इज नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू, वो म्यू का इंडिपेंडेंट हो जाता है फॉर द वर्ड स्टिकिंग रीजन। जबकि क्या होता है, स्लाइडिंग जो होता है वहां पर फोर्स जो होता है दैट इज डिफाइंड एज μ×n, ठीक है। तो जब आप जो ब्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना फ्रिक्शन वाले में, ठीक है ना, तो उसमें आप स्लाइडिंग ही तो अज्यूम करते हैं, स्टिकिंग थोड़ी ना करते हैं अज्यूम। जब आप फोर्स लगाए, आपने फ्रिक्शन लिखा, फ्रिक्शन आप सीधा लिख दे रहे हैं μ×n, क्यों लिख दे रहे हैं? क्योंकि वो स्लाइडिंग कंडीशन पे है। जबकि स्टिकिंग की अगर बात करें ना तो उसमें म्यू का कोई रोल नहीं होता, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होता है कॉन्स्टेंट। ओके, सो देयरफॉर अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या आता है, शीयर, शीयर फोर्स आता है ना ओवर द रेक फेस। सो देयरफॉर शीयर दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, μ×p, Pn मतलब नॉर्मल प्रेशर, ओवर द व्हाट रेक फेस, क्योंकि चिप इसके ऊपर स्लाइड हुआ तो वो प्रेशर लगाएगा ना। सो देयरफॉर μ×Pn, कुछ नहीं किया, फोर्स अपॉन एरिया ही तो होता है, तो अपन ने एरिया से डिवाइड कर दिया यार, क्या दिक्कत है। तो टाउ इक्वल टू व्हाट μ×Pn, बट फॉर व्हाट स्टिकिंग, अगेन स्टिकिंग के लिए ठीक है, बट फॉर स्लाइडिंग, अब स्लाइडिंग के लिए टाउ क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, स्टिकिंग के लिए, सॉरी, मतलब कहने का मतलब ये स्लाइडिंग के लिए है, सॉरी ये स्लाइडिंग के लिए है और ये क्या है, फॉर स्टिकिंग। तो स्टिकिंग के लिए क्या रहता है, ये शीयर फोर्स रहता है, शीयर स्ट्रेस कांस्टेंट रहता है, देखो वही दिखाया ना। फिर ये ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। ड्रास्टिकली क्यों रिड्यूस होता है? क्योंकि अब जो चिप है वो कॉन्टैक्ट छोड़ रहा होता है ना रेक फेस के साथ, इसीलिए, ठीक है। और नॉर्मल का कर्व क्या है, ये नॉर्मल का तो ये रहता है। गॉट द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स? ओके, तो ये कुछ मैंने कंसेप्ट बताया था इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर व्हाट, टेम्परेचर। ओके, जो ये जो हमारी हीट प्रोड्यूस हुई ना ओवर दिस रेक फेस, उस पर टेम्परेचर कैसे मापा जाता है उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। इस पर क्या इंजीनियरिंग सर्विस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो जस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पज आपको याद करना है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर कैसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है, सिर्फ आपको नाम याद करना है, इनके बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है। तो टू मेजर हीट, आपको ध्यान है मेथड यूज करते हैं कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर एक डिवाइस है ना, तो हीट के लिए क्या होता है कैलोरीमीटर, मतलब अमाउंट ऑफ हीट, हीट मतलब जूल, हीट एनर्जी है ना, तो उसको मेजर करने के लिए हमने यूज किया कैलोरीमीटर, तो ये यूज करते हैं। रही बात टेम्परेचर की, अब टेम्परेचर के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स, उसको बड़े ध्यान से देख लेना। पहला क्या है, अब इसको सिर्फ नाम याद करने, सिर्फ नाम, डीकलराइजिंग एजेंट, डीकलराइजिंग एजेंट। देन क्या है, थर्मोकपल, मोस्ट कॉमनली यूज थर्मोकपल, ठीक है, टेम्परेचर का नाम और थर्मोकपल